रहते हैं कि गर्दी, ये रश, ये हवा, ये शोरगुल, ये ऑल दिस, आज आज इसलिए ये सबसे तंग आ चुके हैं। इसका मतलब क्या खाना छोड़ दें? नहीं दोस्तों, ये परेशानी देख के आप खाना छोड़ देंगे? खाना छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे? तो मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। सोल्यूशन ये है कि इतने तकलीफ के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का, या फिर आपको मसाले खाने का इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर आपको अपने मसाला मसाला नहीं खाना है, ना हल्का खाना खाना है। तो हल्के खाने में क्या खाएंगे दोस्तों? अगर आप नॉनवेज के एडिक्टेड है या फिश के एडिक्टेड है तो आप क्या वेज खा पाएंगे? नहीं दोस्तों। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा आज का रेसिपी लेके आया हूँ। आज का रेसिपी में बेसिकली मैं थक के आया हूँ, ऑफिस से जस्ट आया हूँ, यह हालत है, ये सब फेस करके मैं समझ सकता हूँ कि ये सब चीज़ आपको मतलब इतना टाइम नहीं बचता है। और सिंपल खाना बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम ऐसा सिंपल खाना जो दिमाग को पीसफुल, पेट को ठंडक और दिल को शांति पहुँचे, एंड वैसा मेन्यू। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जी हाँ, रावर्स फिश करी। हाँ दोस्तों, रावर्स फिश करी मतलब हमारे बंगाली में बोलते हैं भेटकी माचे झोल। कालो जीरे दिए भेटकी माचे झोल। हाँ दोस्तों, काला जीरा से रावर्स फिश करी एकदम पतला, ठंडा, एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल जायके, एकदम सिंपल तरीका से आज का ये रेसिपी बना के हम आराम से उसे, जिससे देखिए ये सब स्ट्रेस से बिल्कुल दूर, बिल्कुल अलग, एकदम खाना ऐसा जो एकदम ठंडक वाला हो, एकदम आराम से आप पीसफुली खा सके। ऐसे टाइम पे आप मसालेदार नहीं खा सकते हैं, आई नो, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचता है कि मसाला बनाते बनाते आप मसाला बनाओ, ये बनाओ, इतना ऑफिस से आके इतना परेशान हो के, नहीं तो आपके दिल नाराज़ हो जाएगी, बोलेगा क्या तुमने आज खाना अच्छा बना नहीं सके और मैं खाना क्यों बनाऊंगी। तो दोस्तों, अपनी को खुश कराने का, या फिर आपके दोस्तों को खुश कराने का, या फिर आपके घर वालों को खुश कराने का एक अच्छा सिंपल नुस्खा, यस नुस्खा, वो है रावर्स फिश करी। जी हाँ, भेटकी माची झोल। तो ओम साई राम और जय श्री गणेश के नाम से जल्दी प्रेजेंट करते आज का रेसिपी, एकदम सिंपल एंड फटाफट जल्दी स्टार्ट। चलिए, चलिए दोस्तों, फ़िश फ्राई करने के लिए सबसे पहला हम एक तवे पे या कढ़ाई पे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देते हैं। आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो कोई और नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एंड देन उसमें जो हमारा ताज़ा ताज़ा कटा कटा हुआ रावर्स मच्छी है उसमें हम लोग उसमें फ्राई कर लेंगे। दोस्तों एकदम शॉर्टकट तरीका है फ़िश फ्राई करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अलग से हल्दी नमक और मिक्स करके फिर उसे फ्राई करने का। तो हमने तेल में ही हल्दी डालकर रावर्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों इसे फ्राई करने के लिए लगभग 1 मिनट ही लगता है, एंड इसे तेज़ तेज़ आंच में इसे पकाइए या फ्राई कर लीजिए दोस्तों। और हर तरफ इसे फ्राई प्रॉपरली होना चाहिए, हर तरफ इक्वली फ्राई कर लीजिए, उसे पलटी कर लीजिए बीच बीच में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ही ये फ्राई हो जाता है। चलिए, हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसे कर लेंगे साइड, हमारा मच्छी फ्राई। मच्छी फ्राई करने से उसका रॉ स्मेल चला जाता है, बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून या 1 छोटा चम्मच या कलौंजी या फिर काला जीरा। उसमें हम डाल देंगे 1/2 रिंग कटा हुआ ऑनियन, मतलब बारीक चॉप किया हुआ प्याज, एंड उसे हम सॉटे कर लेते हैं दोस्तों उसी तेल में जिस तेल में हमने मच्छी फ्राई किया है। हल्दी दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हल्दी हमने ऑलरेडी तेल में डाल चुके थे। उसके बाद कटा हुआ हरी मिर्च हम डाल देंगे बढ़िया सा स्वाद के लिए, एकदम लबाबदार के लिए। बापो, बहुत अच्छी तरीके से इसे सॉटे करके फ्राई कर लीजिए दोस्तों। एंड देन हम डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाँ दोस्तों, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है, एंड इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे या सॉटे कर लेंगे दोस्तों। इसे सॉटे कर लीजिए, इसका रॉ स्मेल जाने तक इसे पकाइए, एंड देन हम डाल देंगे लगभग मुट्ठी भर हरा कटा हुआ धनिया। जी धनिया पत्ता हमने बारीक कटा हुआ डाल दिया है, एंड थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए ताकि हमारे जो मसाले हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट है, वो जले नहीं।
दोस्तों ये हम लोग बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में बना रहे हैं और बड़ी हाई फ्लेम में बना रहे हैं, तो हमारे सब्ज़ी जलने का डर रहता है, इसलिए हम लोग पानी डाल के इसे पकाएंगे। उसके बाद हमारे जो मसाले डाल देंगे, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून बड़ी सौंफ एंड उसके बाद एक टेबलस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसे हम लोग अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये जले नहीं दोस्तों। चलिए इसे अच्छी तरीके से सॉटे हो चुका है, बढ़िया सा। दोस्तों देखिए हाई फ्लेम में बना रहा हूँ, एकदम फटाफट बना रहा हूँ। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए दोस्तों। हमने नमक डाल दिया है, देन इसे भी सॉटे कर लीजिए। मसाले सॉटे हो चुका है एंड उसके बाद सब्जी भी सॉटे हो चुका है। उसके बाद हम आखिरी में डालेंगे कटे हुए टमाटर। दोस्तों एक कप कटे हुए टमाटर आखिरी में डाल देंगे, इससे बड़ा सा बढ़िया सा ग्रेवी को टेस्ट और स्वाद देने में काम आता है। चलिए उसके बाद हमारा फ्राई हो चुका है, सॉटी हो चुका है। फिर दो कप हम पानी डाल देते हैं, इसी से ही हमारा ग्रेवी बन गया। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम हाई फ्लेम में पका लेंगे। थोड़ा सा शक्कर एक मुट्ठी भर या फिर थोड़ा सा एक टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी देंगे तो चलेगा। चलिए इसे स्टीम कर लिया है, आधा मिनट तक इसे स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने के बाद जैसे ही आपका पूरा सामग्री अच्छी तरीके से पक जाता है, देन हमारा जो फ्राई किया हुआ मच्छी है वो डाल देंगे हमारे ग्रेवी में, करी में। डालने के बाद फिर से हम आधा मिनट इसे हाई फ्लेम में कवर करके स्टीम कर लेंगे ताकि इसका जो फिश का अरोमा भी इसमें मिक्स हो जाए। चलिए बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, एकदम फटाफट विद इन 5 to 6 मिनट हमारा रेसिपी कंप्लीट। चलिए इसे टेस्ट चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट है। चलिए इसे गार्निश करके, हरा धनिया के साथ गार्निश करके इसे चावल के साथ खा लीजिए, साथ में थोड़ा सा जी सलाद ले लीजिए। चलिए दोस्तों ओम साई राम, जय श्री गणेश। बढ़ते हैं अगले रेसिपी की तरफ।